नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल। स्वागत है चैनल पर दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि पेन ईयर ऐप का जो रिटेलर है, ये जो पेन ईयर ऐप चलाते हैं, तो गलत नंबर में रिचार्ज हो गया है दोस्तों। ज़्यादा अमाउंट का रिचार्ज हो गया है गलत नंबर में, तो कैसे वापस करें? गलत नंबर क्या है, मान लीजिए कि हमें धोखे से हो गया है किसी में गलत अमाउंट पे, तो उसको वापस कैसे पाएं? जी हाँ, आज मैं फुल बताने वाला हूँ कि पेन ईयर ऐप से गलत रिचार्ज रिवर्स कैसे पाएं। जी हाँ, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है, मेरा लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आना है आपको नीचे माई रिपोर्ट, ठीक है। माई रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिचार्ज, यहाँ देखिए रिचार्ज रिपोर्ट लिखा है, सारी रिपोर्टें यहाँ पे उपलब्ध होंगी। तो हमें जिससे काम है अभी वही करेंगे, रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 415 रुपये, यानी 4015 रुपये का मेरा रिचार्ज गलत हो गया है, ठीक है। ये नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ, इस नंबर पे हो गया है। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो पेन ईयर बाई कोई फाट लेता नहीं है और बहुत जल्दी उसका निराकरण करता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कुछ समय का वेट करना है और या तो आपका देखिए रिवर्स हो जाएगा इस तरह, और पहले सक्सेस होगा इसके बाद रिवर्स हो जाएगा। कुछ समय का वेट दीजिए, घंटे दो घंटे, ये अभी तत्काल आ जाएगा। ये मेरा तो तत्काल आ गया है, मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम लगा है दोस्तों। अगर आप लोगों का भी हो जाए या ना आए, या फिर रिचार्ज सक्से ही बताए आपके पेन ईयर बाई ऐप में, तो यहाँ नीचे लिखा है रेज कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन आप तभी करेंगे, ध्यान रहे, कंप्लेन आप पेन ईयर बाई कस्टमर केयर में यहाँ से तभी करेंगे जब 24 से 48 घंटे में बेनिफिट ना रिसीव हुआ हो, ठीक है ना, और आपके ऐप से शो ना कर रहा हो, तो ठीक है। कंप्लेन करने के लिए यहाँ रेज में कंप्लेन पे करिएगा। तो देखिए ये यहाँ भी अगर आपका रिवर्स हो गया होगा तो यहाँ भी मेंशन कर दे रहा है देखिए कि रिचार्ज फेल्ड, अमाउंट रिवर्स टू द वॉलेट, कि आपके वॉलेट में गया, ठीक है। जहाँ से कटा होगा आपका, जहाँ से वॉलेट में, वहीं से आपका पहुँच जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी ही प्रोसेस होगा। ये नया अपडेट आया है पेन ईयर में, इसके बाद हम बैक कर देंगे। और इसी तरह अगर आपका भी रिचार्ज हो जाए या फिर रिचार्ज सक्सेसफुल मिलता है, कभी कभी होता ये है कि पेन ईयर ऐप अपडेट करना पड़ता है, तो कभी कभी रिवर्स हमारा हो जाता है, हम जान नहीं पाते हैं ज़्यादा ट्रांजेक्शन की वजह से, ज़्यादा कार की वजह से, तो कभी कभी लॉन्ग आउट करके आप दोबारा इसको सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस यही है तरीका। एक और बताऊं, अगर फिर भी वहां से नहीं, तो यहां क्लेम रिफंड लिखा है, ठीक है। क्लेम रिफंड में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक यहां करेंगे तो अगर कोई फंसा हुआ होगा, कभी कभी होता क्या है कि दोस्तों कि अगर कोई ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन फंस गया तो 24 से 48 घंटे का कस्टमर केयर का वो भी बताते हैं। अगर आप कस्टमर केयर के नंबर में फ़ोन करेंगे तो वो यही कहेंगे कि आप 24 से 48 घंटे का प्लीज़ वेट करिए, इसके बाद ही आप कंप्लेन करिएगा, ठीक है। तो पैसा आपका कहीं जाने वाला नहीं है, चाहे रिचार्ज का हो या फिर ट्रांजेक्शन का। अगर पेन ईयर ऐप चलाते हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। तो बस यही छोटा सा वीडियो था दोस्तों, कि जो नए नए रिटेलर हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटा अमाउंट लगाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो उनकी परेशानी का हल मैंने आप बता दिया है कि जिस तरह अभी मेरा ये रिवर्स हुआ है, तत्काल अभी हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों का भी हो जाए। और अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा वो प्रोवाइड। ना तो मैं कस्टमर केयर हूँ, ना कोई हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, बस आप लोगों की तरह ही आपको जानकारी सहायता करता रहता हूँ। तो दोस्तों बस अगर फिर भी ना समझ में आए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे कमेंट में बताएं, अपना नाम बताएं, अपना जो भी समस्या हो वो बताएं, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। और चलता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत।